बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आई हूँ एक रेसिपी के साथ। तो ये है हमारी पालक। मेहंदी नहीं है, ये पालक है। आप लोग ये ना समझे कि ये मेहंदी लग रही है, लेकिन ये है पालक। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक माई चैनल, और न्यू व्यूवर्स जो न्यू आने वाले हैं उनके लिए भी वेलकम, ठीक है? तो ये आज मैं बनाने जा रही थी पालक चिकन, सोचा कि आपके साथ शेयरिंग करते हैं। इसकी रेसिपी पहले भी मैं कर चुकी हूँ। तो ये उस तरह का पालक चिकन है, एक तो आम घर पे बनता है ना, कच्ची पालक डाली और बस। और ये जो शादियों पे बनने वाला पालक चिकन है ना, ये वैसे बनता है, पता है? शादियों पे पालक बनती है, चिकन बनती है, और जो शादियों पे बनता है उस तरह का है। तो ये इसमें मैंने ये किया है कि इसको मैंने सबसे पहले बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल हल्का सा ब्लेंड किया है, क्योंकि जब मैंने इसको बॉईल किया था ना, तो ये देखें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आई है, इस तरह से बस इसका ये टेस्ट आया, ये देखें, ठीक है? जब मैंने इसको बॉईल किया था ना, तो मैंने इसको प्रेशर में कोई 10 मिनट, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए प्रेशर में ना बॉईल कर लिया था अच्छे तरीके से। जब ये ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके यहाँ पर रख लिया 1 kg के करीब। ये पालक है, इसको आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपका दिल करे पका लें। ये इस तरह बॉईल करके फ्रीज़ की हो तो कभी ख़राब भी नहीं होती, ठीक है? ये साग जैसी लग रही है, ठीक हो गया। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इस तरह की पालक का। वही बर्तन है जिसमें मैंने पालक को बॉईल किया था, क्योंकि बर्तन धोने मुझे पड़ते हैं तो मुझे मौत पड़ती है, तो मैंने फिर वही वाला बर्तन ले लिया। तो इसमें मैं करूँगी चिकन फ्राई। चिकन पहले इसमें घी डाला और चिकन फ्राई करेंगे। आपके जी मैंने चिकन लिया, 1 किलो पालक है, तो हम अपने चिकन को फ्राई करके ना निकाल लेते हैं। इसी में मैं अपनी हांडी बना लूँगी, ताकि ज़्यादा बर्तन ना लगे और मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वैसे मैंने इसको धो लिया, लेकिन ये चिपकी हुई थी तो ये उतरी नहीं है, ये देखे ना, ये उतरी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना लेते हैं, बनानी तो पालक ही है, तो पालक के ही लगे हुए हैं पत्ते और कुछ भी नहीं लगा हुआ इससे। तो मैंने सोचा था कि चलो 1 से 2 से 3 बर्तन लगाने की बजाय ना इसी में बना लेती हूँ। अभी वैसे पालक तो मैश हो चुकी है, प्रेशर की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्रेशर में भर चुकी थी ना पहले ही। तो फिर मैंने सोचा चलो जी अब ये मतलब करना ही पड़ेगा इसी में सारा काम। तो देश की वगैरह मैंने फिर नहीं ली कोई भी, पहले मेरा प्रोग्राम था कढ़ाई में बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो इसी में बना लेते हैं। तो इसको मैं फ्राई करती हूँ, फ्राई करके चिकन को निकाल लेंगे। 1/2 kg चिकन है और 1 kg पालक है, ठीक है? मैं आपको साथ ही बता रही हूँ। अच्छा ये देखें व्यू, चिकन हमारी जो है ना फ्राई हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। 3 से 5 मिनट इसको लगे हैं फ्राई होने में, और मैं इसको निकाल लूँगी। अगर आपको अपना ऑयल कम लगे ना तो आप और डाल सकते हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ, निकाल के बॉल में रख लेती हूँ इस तरह से। और ये मैंने निकाल लिया अपनी चिकन। चिकन निकालते निकालते साथ ही हमारी लाइट भी चली गई है, जो रोज़ का मामूल हो गया होगा, कभी आती है कभी जाती है। और ये हमने मसाले के लिए लिया, ये है हमारा टमाटर, 2 अदद मैंने लिए हैं, कटिंग कर ली है इनकी, चॉप रफली चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 स्पून है, ठीक है, टेबल स्पून है। और ये 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, इनको भी रफली चॉप कर लिया। और ये जो है अनियन है बारीक सा काट लिया मैंने। और अपना ये ऑयल थोड़ा मुझे कम लग रहा था, घी 1/2 कप मैंने लिया, ठीक है? थोड़ा मैंने पहले लिया था, थोड़ा मैंने अभी लिया, मुझे कम लग रहा था तो मैंने और ले लिया। मैं घी में बना रही हूँ, ऑयल में नहीं बना रही। आप चाहें तो किसी में भी बना सकते हैं, घी में ऑयल में आपकी मर्जी है। तो प्याज डाल के ना मैं इसको ब्राउन करूँगी। वो हरी मिर्च भी अंधेरे में आ गई है, लेकिन मैंने सिर्फ प्याज ही डालना था इसमें। तो चलो अब हरी मिर्च आ गई है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कह सकती। हरी मिर्च भी इसमें चली गई है 2-3 पीस, तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे मुझे सिर्फ प्याज ही चाहिए था, देरा बहुत हो गया, एकदम से लाइट चली गई है। तो चलो जी हम इसको फ्राई करेंगे हमारे अनियन को इसी बर्तन में, क्योंकि मैंने अभी बर्तन धो के ना किचन साफ़ किया, तो मेरा कोई मूड नहीं है कि एक्स्ट्रा बर्तन लगे। आटा मैं गूंथ चुकी हूँ, सिर्फ पालक चिकन बनाएंगे हम लोग और वही खाएंगे, ठीक है? अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ना थोड़ा सा हल्का सा होता है ना, नरम सा सौते होता है, तो फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, टमाटर डालेंगे, अच्छा सा मसाला इसको तैयार करेंगे जैसे करते हैं, और फिर हम अपनी चिकन डाल के पालक डाल देंगे। बड़ा ही आसान है, अगर आप इस तरह चिकन पालक को फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो आपके लिए खाना बनाना आसान हो जाएगा। हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं कि पालक को बॉईल करके थोड़ा सा, कुछ लोग बॉईल करके वैसे फ्रीज़र में रख देते हैं, और कुछ लोग ये होता है कि मतलब उसको मैंने बॉईल करके तो थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, तो उसका टेक्सचर जो है ना अच्छा हो जाता है। तो मुझे बॉईल की हुई ना ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना पक भी जाती है, और उसका जो टेक्स्चर है ना वो शादी वैसे जैसे शादियों की पालक होती है ना, नरम सी घुली हुई सी, वैसे बनता है, फिर ज़्यादा टेस्टी लगती है, ठीक है? तो ये अभी मैंने रिसेंटली बनानी थी, तो मैंने रात को ही पालक काटी थी, और सुबह ही मैंने इसको बॉईल कर लिया था, और साथ ही ठंडी होने पे ब्लेंड कर लिया था। तो मैंने सोचा चलें जी अभी बना लेते हैं, साथ में रोटी बनाएंगे घर की और सुकून से खाएंगे। ये देखें प्याज हमारे सौते हो गए हैं, ज़्यादा इनको प्याज़ों को जो है ना हमने कलर नहीं देना, इनको डार्क नहीं करना, हल्का ही रखना है। ज़्यादा कलर हो जाएगा फिर हांडी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, 2 स्पून जो लिया था,
ठीक है। और 2 मिनट चलाने के बाद ना साथ ही हम अपनी ग्रीन चिलीज डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। प्याज अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाए ना, जैसे चावलों का तड़का होता है, फिर हांडी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है, ऐसा लगता है तड़के वाली कोई चीज़ बनाई हुई है। इसलिए प्याजों को ना सिर्फ सौते करते हैं और हल्का सा नरम करते हैं, ज़्यादा मतलब उसको कलर देने की ज़रूरत नहीं होती। नरम इसलिए करते हैं कि ताकि वो घुल जाएँ अच्छे तरीके से। अब ये हम टमाटर और हरी मिर्चें भी ऐड करते हैं। अच्छा ये देखिए टमाटर भी हमारे तकरीबन नरम हो गया, मसाला हमारा रेडी है। हम इसमें ना नमक मिर्ची डालेंगे, और अगर आपका मसाला लग रहा हो ना, आपको लगे कि लग रहा है, मेरा तो भी नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। इस टाइम पे आके पानी ऐड करेंगे, पहले नहीं करेंगे। तो अगर मेरा लगना स्टार्ट होता ना, फिर मैं इसमें पानी डालते हुए टमाटर गल रहे हैं, तकरीबन मसाला हमारा रेडी हो गया होगा। अब मैं इसमें नमक मिर्च और जो मतलब मसाले होते हैं ना, नमक मिर्च हल्दी बेसिक मसाले होते हैं, वही डालेंगे बस, और कुछ नहीं डालेंगे। व्यूज़ थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था क्योंकि मसाला लगना स्टार्ट हो गया था। और ये हम अपने ड्राई मसाले डालेंगे। ड्राई मसाले में मैंने थोड़ा सा जीरा लिया और हल्दी लिया, थोड़ी सी मिर्च लिया रेड पीसी हुई, और साथ में पिसा हुआ धनिया है और नमक है, ठीक है। नमक मैंने चिकन को फ्राई करते हुए चिकन में भी डाला था, ये चिकन फ्राई की थी ना जब, उसमें भी मैंने हल्का सा नमक लगाया था, फिर ये चिकन को फ्राई किया था। तो इसमें भी सारे मसाले ऐड करके इसको भून के आप इसमें चिकन डाल देंगे हम अपनी, ठीक है। थोड़ा सा मसाला मैं भूनूंगी, फिर उसके बाद चिकन डाल देंगे। अच्छा जी ना, अब मैंने अपने मसाले में कर दी चिकन ऐड, ठीक है, चिकन ऐड की। और चिकन को भूनने के बाद जो है ना, अब हम इसमें अपनी पालक शामिल करेंगे। पानी वानी मैंने वही थोड़ा सा डाला था, मतलब समझ लिया कि थोड़ा सा, मतलब हाफ कप भी नहीं था, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला था, वो भी मसाला ना लगे इसलिए पानी मैंने शामिल नहीं किया इसमें ज़्यादा, मसाले के टाइम पर डाला था, वो भी बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। चुल्लू भाड़ी समझ लें, चुल्लू भाड़ पानी डाला था मैंने इसमें भून के पालक। एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, वो ये कि जो पालक मैंने बॉयल की थी, जो उसमें पानी था ना, वो मैंने फेंका नहीं था, उसको पानी समेत, पानी मैंने कम ही डाला था पालक में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी होता है, अपना पालक पानी जो है ना छोड़ती है पालक, तो ऑलरेडी जो पानी था ना वो और जो बॉयल करने से पानी निकला था ना, वो मैंने गिराया नहीं था, पानी डाला भी हुआ था, वो सारा मैंने ब्लेंड किया है, इसलिए इतनी पतली पतली सी पालक है। अगर हम उसको निकाल देते तो ये इतनी पतली नहीं होनी थी, तो मैंने सारा ब्लेंड किया पानी, ठीक है, पानी मैंने फेंका नहीं है। और अब हम अपनी हांडी में डालेंगे, इसने घी छोड़ दिया गोश्त ने, और अब हम इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि मसाला मैं भून चुकी थी, जिस तरीके से गोश्त ने पानी मतलब घी छोड़ दिया, और इसको हम डाल देंगे। और इसको भी सारे को मैं साफ़ करके डाल दूँगी, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं अभी साफ़ करके इसको डाल देती हूँ उसके अंदर। अपने खूबसूरत हाथों से, जो कि सर्दियों में खूबसूरत नहीं रहते बल्कि पता नहीं कैसे हो जाते हैं, तो उन हाथों से मैंने सारी पालक जो है साफ़ करके इसमें डाल दी है, ठीक है। और अब हम इसको ना ढक्कन दे के ना पकने पे रख देंगे, इसको कुछ भी नहीं करना, मैंने मिक्सअप कर दिया, अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बाकी इसको प्रेशर वगैरह नहीं देना क्योंकि सारा कुछ हो गया हुआ है, बस इसको हमने अपने पकाना है अच्छे तरीके से। जैसे ये पक जाएगी तो वो यहूदी जो है चटनी सी बन जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने तेज़ नहीं रखी हुई आँच, मैंने नॉर्मल रखी हुई है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा तेज़ है, और नॉर्मल आँच पे बस मैं इसको ढाँप दूँगी, यहूदी पक जाएगी, इस पर आप कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, जो मेहनत करनी थी आप कर चुके हैं इसके साथ। अब ये देखिए पानी हमारा तकरीबन सूख चुका है और पालक की हालत कुछ यूँ है, अब इसने घी नहीं छोड़ा, जब तक ये घी नहीं ना छोड़ेगी हम इसका चूल्हा बंद नहीं करेंगे। और मैंने हरी मिर्चें 3-4 रोल डाल ली हैं इसमें, क्योंकि हरी मिर्चें कच्ची कच्ची सी ना बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये देखें जैसे ये पानी सॉरी घी छोड़ती है ना, समझे हमारी जो हांडी है ना वो रेडी है, बड़ी मज़े की और टेस्टी पालक बनी है। तो तकरीबन 10 मिनट ही लगे हैं, तो उसमें से पानी खुश्क हो गया सारा, और जैसे ही ऑयल या घी जो भी आपने डाला हुआ वो छोड़ेगी, तो उसके साथ ही समझे हमारी रेडी हो गई है हांडी। अब ये देखें हमारी पालक चिकन रेडी हो गई है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, प्लेट में डाल के बच्चे को देने लगी थी खाना खाने के लिए, तो ये मैंने दम पे रखी हुई थी, तो साइड से थोड़ी सी जल गई है, लेकिन ये है कि हांडी हमारी अच्छी तैयार हुई है, हांडी ही जली है, मसाला ही बस। जी जनाब ये देखें पालक हमारी रेडी हो गई, मैंने इसको बिल्कुल दम पे किया हुआ था, और हमने रोटी के साथ खाने, तो मैंने इसको बिल्कुल सुखा लिया है, तो ये देखें जनाब ठीक है हमारी रेडी हो गई है इस तरह से। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की पालक चिकन है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।